मैं ऑपोजिशन में भी रहा, हम अपना हुकूमत में भी रहे, पंजाब में मैं लीडर भी ऑपोजिशन में रहा, यहाँ पर भी आपने या नवाज शरीफ ने ये मुझे एजाज़ बख्शा अल्लाह ताला की मेहरबानी से। मैंने इससे बदतरीन सियासी तौर पर अपने विजन के हवाले से, खलूस के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से, कमिटमेंट के हवाले से, मैंने इससे बदतरीन हुकूमत अपनी ज़िंदगी में नहीं दी, और इससे नाकाम तरीन वज़ीर आज़म बखुदा मैं आपको बिना खौफ तरदीद कह रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। और इतना खोखलापन सोच का, इतना खोखलापन फुकदान, और यानी तदबीर स्ट्रेटजी और हिकमत अमली मेहनत का फुकदान और कमिटमेंट का फुकदान, मैंने इससे पहले जितनी भी हुकूमतें हुई हैं उससे ये बदतरीन हुकूमत है पाकिस्तान की 72 साल तारीख में। और 2.5 साल में इनकी जो सारी परफॉर्मेंस जो है वो कौम के सामने आ चुकी है, और कौम इन गलतियों से वो इश्तराब नहीं करेगी। जब वक्त आएगा कौम इसका हिसाब लेगी अपने वोट के ज़रिए, अपनी काबिशों के ज़रिए, और कौम इस बात को माफ़ नहीं करेगी कि किस तरीके से जुलाई 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने नवाज शरीफ की सरबराही में किस तरह इस मुल्क को तरक्की और खुशहाली के राह पर गामजन कर दिया था, और जिसको आप कहते हैं अंग्रेज़ी में हम टेक ऑफ कर गए थे। आज ये मुल्क को बदतरीन जगह पर इस हुकूमत ने अपनी नालायकियों, अपनी करप्शन, अपना टेरेबल परफॉर्मेंस के ज़रिए उसको ऐसे जगह पर खड़ा कर दिया है कि पूरी कौम हैरान और परेशान है, शर्मसार है। जब हम एक तकाबली जायजा लेते हैं, डॉक्टर साहबा बैठी हैं तशरीफ रखी हैं और भी यहाँ पर इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, वो बताएंगे आपको, जब हम पाकिस्तान के मुकाबला अफगानिस्तान से